क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, तो इसके अंदर आपको एक फंक्शन क्रिएट करना था और फंक्शन के थ्रू लिस्ट के अंदर कितने लिस्ट है वो आपको बताना था। तो उसका सलूशन मैं बताने वाला हूं। तो जिसने ट्राई किया बहुत ही अच्छी बात है, और जिसने ट्राई किया पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रोग्राम, कुछ इरर आया, तो इस वीडियो को देख के आप समझ जाओगे इसका सलूशन कैसे है और बाद में आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करना है, जैसे कि आप ये लिस्ट के अंदर लिस्ट टोटल 3 लिस्ट है तो आउटपुट इस तरह का आना चाहिए। तो इधर सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो डिफाइन बाद में फिर लिस्ट इनसाइड लिस्ट लिख देता हूँ या फिर लिस्ट नंबर लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ लिस्ट लिख देता हूँ मैं फंक्शन का नाम। और इधर पैरामीटर में एक पास कर देता हूँ, तो ये मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया। बाद में कॉलम लगा देता हूँ, जैसे कि जावा और सी प्लस प्लस में हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, पाइथन के अंदर हम कॉलम यूज करते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। बाद में फिर आप देख सकते हो ये फंक्शन, तो मैंने आप देख सकते हो सबसे पहली लाइन लिख दी। बाद में हमें ये लिस्ट के अंदर जितने लिस्ट है उसे हमें काउंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल का नाम रख देते हैं काउंट या फिर नंबर, कुछ भी आप रख सकते हो। तो इस काउंट में मैं अभी 0 स्टोर करा देता हूँ, तो ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया है। तो जैसे जैसे सर्च करते जाएगा आगे लिस्ट, ये काउंट के अंदर हमारा नंबर ऐड होते जाएगा। बाद में फिर इस काउंट को लास्ट में प्रिंट करा देंगे, तो इस तरह का ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम सर्च करने के लिए फॉर आई इन, जो कि हमारे लिस्ट का जो नाम है वो ए, जो हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं वो ए है, तो इधर मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन ए। तो इसके अंदर सर्च करेगा सबसे पहला 1, तो 1 देखेगा ये लिस्ट नहीं है, 2, 2 भी लिस्ट नहीं है, और ये देखेगा बाद में 1, 2, ये हमारा पूरा एक लिस्ट है जो कि थर्ड पोजिशन पे। तो ये पोजिशन वाइज एक एक पोजिशन पे जाएगा, ए में 0 पोजिशन पे 1 है सबसे पहला, वो चेक करेगा, और 1 पोजिशन पे 2 है वो चेक करेगा, बाद में थर्ड पोजिशन पे चेक करेगा कि लिस्ट है कि नहीं। तो बाद में फिर इसके बाद ये काउंट के अंदर ऐड हो जाएगा, पर ये चेक कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंफ्यूज हो जाओगे आपने, तो ये चेक कैसे करेगा, तो बाद में लिखना है इफ, बाद में लिखना है टाइप, ये आप देख सकते हो टाइप मेथड को आपको कॉल करना है। बाद में फिर आपको लिए जो पोजिशन सर्च करेगा वो आई, तो आई टाइप के अंदर जाएगा, और उसके बाद इक्वल टू लिस्ट। तो अब ये देख के समझ गए रहोगे कि टाइप मतलब आई का टाइप जो लिस्ट है, उसके बाद ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू होने पे हमारा क्या होना चाहिए, काउंट के अंदर इंक्रीमेंट मतलब 1 प्लस हो जाना चाहिए, तो जिससे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ लिस्ट। तो इसे मैं आगे करता हूँ और समझाता हूँ आपको, काउंट बाद में प्लस इक्वल टू 1। तो ये क्या हो रहा है, ये है ना जो 0 है, 0 के अंदर प्लस हो जाएगा 1, और इसके बाद रिटर्न हमें करा देना है ये काउंट, तो आपको ये रिटर्न करा देना। तो ये मैं आपको एक बार और वापस से समझा देता हूँ क्लियरली, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने फंक्शन सबसे पहला क्रिएट किया, इधर एक पैरामीटर पास किया, बाद में फिर काउंट इक्वल टू 0 जो एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमारा जो भी आउटपुट रहेगा वो प्रिंट होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ लिस्ट प्रिंट होगी, तो ये काउंट के अंदर जाएगा। बाद में फॉर आई इन ए, तो ए हमारी फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लिस्ट है समझ लीजिए। अब इसके अंदर आई जो है, आई हर पोजीशन को चेक करेगा, सबसे पहला आई देख सकते हो 0 पोजीशन पे हमारा 1 है, इसे चेक करेगा। इसे कैसे चेक करेगा, आप देख सकते हो इफ टाइप ए, सॉरी इफ टाइप आई इक्वल टू लिस्ट, तो 1 इक्वल टू लिस्ट है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये काउंट के अंदर 1 प्लस नहीं होगा। इसके बाद फिर वापस ये लूप चलेगी, इफ टाइप आई इक्वल टू जो कि देख सकते हो 2 चेक करेगा, तो ये देखेगा ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसके बाद फॉर आई, इसके बाद वापस से लूप चलेगी, तो इसके अंदर जो कि सेकंड पोजीशन पे हमारा जो है 1 और 2 ये एक लिस्ट है, इक्वल टू लिस्ट है। बाद में फिर देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाद में काउंट के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट 0 से 1 हो जाएगा। तो इसी तरह चेक करते जाएगा, और आई ये हमारा ये पोजिशन है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, तो हर पोजिशन पे चेक करेगा कौन से पोजिशन पे लिस्ट है। वही तो आप देख सकते हो लिस्ट जो कि हमारा इनबिल्ट मेथड है, टाइप भी इनबिल्ट मेथड है, ये सब इनबिल्ट क्रिएट किए हुए, तो ये चेक कर देंगे। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं और समझते हैं। तो जैसे कि मैं लिस्ट एक क्रिएट करता हूँ, ये नंबर नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर मैं कुछ नंबर पास कर देता हूँ, तो एग्जांपल के लिए मैं 5, 4, 3, बाद में फिर एक मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 5, 6, 7, और इसके बाद फिर मैं एक और लिस्ट डालता हूँ, कॉमा सेपरेटेड, इसके अंदर मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर देख सकते हो, तो लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट है। तो अब इससे हम रन करते हो, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो कॉल करना बहुत ही सिंपल है, प्रिंट बाद में हमारे फंक्शन का नाम, तो मैंने बहुत बड़ा नाम रख दिया फंक्शन का, आप छोटा रखोगे नो प्रॉब्लम, कभी भी आप फंक्शन का और किसी भी लिस्ट का भी आप नाम रखोगे बीच में अंडरस्कोर यूज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इनबिल्ट पाइथन के अंदर जो फंक्शन मॉड्यूल वगैरह है, तो जो इनबिल्ट बने बनाए, तो इससे आपका एरर आ सकता है, और कभी भी आपको जैसे कि लिस्ट मैक्सिमम मिनिमम ऐसे करके नाम वेरिएबल का कभी नहीं रखना है, आप अंडरस्कोर यूज कीजिए या फिर कुछ यूनिक नाम रखिए, या फिर आप कोई भी कैरेक्टर कैपिटल या स्मॉल बीच में रख दीजिए,
तो जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो डिपेंड करता है आप कैसे कोड बना रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये हमारा फंक्शन को कॉल हो गया है। अब आपको मैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसे रन करके दिखाता हूँ। तो इसे मैंने सेव किया, अब मैं इसे रन करता हूँ पाइथन, बाद में फिर मेरा फाइल का नाम, और इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ लिस्ट हमारा 0 दिखा रहा है। सॉरी, इधर एक प्रॉब्लम आ गया था, जो कि है ना मैं रिटर्न को है ना इनसाइड जो कि इसके अंदर ले लिया था इफ के अंदर, तो इसके वजह से हमारा 0 दिखा रहा था। तो इसे आप बाहर रखिए। तो ये सबसे पहला एक बार ही चेक किया हमारे लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन जो कि 0 पोजीशन पे, बाद में इसने देखा कि ये लिस्ट नहीं और रिटर्न कर दिया हमें 0। तो इसको हमें बस फंक्शन के अंदर रखना है, फॉर और इफ के अंदर नहीं रखना है। इसे मैं वापस से सेव करता हूँ और इसे मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा टोटल नंबर ऑफ लिस्ट जो देख सकते हो 1, 2, तो टोटल 2 लिस्ट ये हमारा आउटपुट आ गया। तो इधर मैं एक और लिस्ट ऐड कर देता हूँ कोई भी नंबर के, और ये मैंने ऐड कर दिया। इसे मैं सेव करता हूँ और वापस से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ लिस्ट जो देख सकते हो लिस्ट के अंदर टोटल कितने लिस्ट है वो 3 है। तो इसका ये सलूशन था। तो जिसने ट्राई किया, जिसका नहीं हुआ तो वो अभी ट्राई करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना है। तो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो बेसिक से लेकर एडवांस पाइथन प्ले लिस्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो याद रखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।